ऑल राइट गाइस, सो लेट्स कंटिन्यू। तो आप देख रहे हो ना कि किस तरह से डेविल एनर्जी हिडन है। डेविल एनर्जी इज नॉट अ हेल्दी एनर्जी, तो वहां पे असर दिखेगा ही हेल्थ पे, चाहे वो आपके रिलेशनशिप का हेल्थ हो, चाहे वो सीरियल का हेल्थ हो। क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना कि सब लोग जो प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं ना, प्रोजेक्ट के वेलबींग के लिए काम नहीं कर रहे हो, सब अपने पर्सनल एजेंडा के लिए काम कर रहे हो, सब लोग या फिर कोई एक इंसान, नाइट ऑफ वॉन्स हो सकता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि क्योंकि बहुत डेविल एनर्जी फील हो रही है, टेन ऑफ सोर्ड, फाइव ऑफ सोर्ड, सब हैवी एनर्जी है, ये सब चीजें हैं। तो यहाँ पे डेफिनेटली एक चिंतन मनन चल रहा है। किस चीज पे चिंतन मनन चल रहा है? द डार्कनेस पे। ये जो डार्कनेस काव्या सीरियल पे आ रहा है डेविल की तरह पंजा मार के, तो इस पे क्या कुछ इसको सुधार सकते हैं, नहीं सुधार सकते हैं, वो सारे चीजों पे चिंतन मनन चल रहा है अभी, ठीक है। और हाँ, गोइंग फॉरवर्ड क्या हो रहा है कि इसकी एनर्जी स्कैटर्ड ही हो रही है। ये ऑलरेडी फास्ट बहुत ही है। देखो, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की इज अ फास्टेस्ट मूविंग वॉन्ड, इमेच्योर है। तो ये नाइट ऑफ, अगर मान लो कि कोई इंसान है, मुझे नहीं तो नहीं पता है, कुछ लोग बोलते रहते हैं, ओवरऑल नाइट ऑफ वॉन्ड्स का प्रेडिक्शन क्या है सीरियल के लिए कि इस सीरियल की एनर्जी और स्कैटर्ड होगी, यानी कि फोकस होने की जगह पे स्कैटर होगी एनर्जी, प्लॉट लूज करेगा, ये सब चीजें होंगी। चिंतन मनन का फर्क नहीं पड़ रहा है। और क्यों चिंतन मनन से डेविल कंट्रोल नहीं हो रहा है? एंड द अदर थिंग कैन बी कि नाइट ऑफ वॉन्स का आना इन रिवर्स बता रहा है कि समबडी इज बीइंग वेरी इमेच्योर ऑल्सो, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव नहीं देख रहा है कि अगर एक सीरियल ग्रो करता है तो सब लोग ग्रो करते हैं। दिस पर्सनल व्हाट इज दिस पर्सनल एम्बिशन में, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्स इन रिवर्स, नाइट ऑफ वॉन्स इज समबडी हु विल चेज हिज ओन थिंग्स, उसका अपना गोल बहुत इंपॉर्टेंट है, अपना गोल एम्बिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेच्योर भी है, ये नहीं देख रहा है कि ओवरऑल सीरियल ग्रो करेगा तो वो भी ग्रो करेगा। तो ही इज जस्ट डूइंग दिस फाइव ऑफ सोर्ड की एनर्जी में, समथिंग हैज हैपनिंग। अल्टीमेटली क्या होगा, द होल सीरियल के पीपल विल सफर। यहाँ पे ओवर एम्बिशन भी है, यहाँ पे इमेच्योर डिसीजन मेकिंग भी है। अगर कोई इंसान है यहाँ पे तो वो आपको पता होगा, बट अदरवाइज ऑल्सो ओवरऑल सीरियल का प्लॉट लूज हो रहा है। तो ये चीज मैंने बताई। और एट ऑफ कप्स क्या है यहाँ पे? एट ऑफ कप्स तो मतलब है कि सीरियल को चूज करना इन स्पाइट ऑफ नॉट बीइंग वेरी। एट ऑफ कप्स में तो देखो हमें यही बताया जा रहा है कि कुछ ना कुछ तो सीरियल में, सीरियल से जो एक्सपेक्टेशंस थे वो मीट नहीं हो रहे हैं, बट सम हाउ यू आर पुटिंग अप विद दिस, अंडरस्टैंड, इमोशनल लॉस। तो सीरियल का एनर्जी कैसा है कि सम हाउ आप खींच तान के चीजें चल रही हैं, है ना? जो हम एक्सपेक्ट किए थे वो तो नहीं हो रहा, बट सम हाउ इट इज गोइंग ऑन लाइक दैट। तो ये ओवरऑल एनर्जी है सीरियल की। अब हम देखते हैं व्हाट वी नीड टू नो अबाउट ये सीरियल की एनर्जी की डायग्नोसिस थी। ओके, अब नाउ वी विल सी व्हाट्स गोइंग टू रियली हैपन विद द सीरियल। God's God is angels, लड़ाई झगड़े, is it heading towards the end? Death का कार्ड भी मैंने शो किया था ना शुरू में। All right. Dear angels, can we please know what we need to know about काव्या serial? कैसे चलेगा? What is really happening with the काव्या serial in the coming 4 months? ये देख लेते हैं हम। What's happening with the ओके, somebody इज नॉट हैप्पी डेफिनेटली। सीरियल में काम करके कोई लोग खुश तो नहीं है। मे बी सिंबुल इज नॉट हैप्पी, डिससेटिस्फैक्शन है। वॉट इज रियली हैपनिंग विद द काव्या सीरियल इन द कमिंग 4 months? क्योंकि मैं आपको टाइम ऐसे तो नहीं बता सकती हूँ, मैं टाइम फ्रेम करके ही आपको बता सकती हूँ, बिकॉज देर इज नो वॉट इज हैपनिंग विद द काव्या सीरियल। Let's see. फिर से वही एनर्जी है, हर्मिट इन रिवर्स। What is happening? Someone is dissatisfied with the serial plot. खुश नहीं है। यहां पे हम देख रहे हैं कि क्या चल रहा है, यहाँ पे क्या चल रहा है सीरियल में। यहाँ पे फाइव ऑफ वॉन्स में तो
पीपल आर नॉट ऑन द सेम पेज, यहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है बहुत ज़्यादा. ओके तो वो चीज़ें हो रही हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ज़्यादा बढ़ रहा है. मुझे ऐसा लग, अगेन देखो सुंबुल के रीडिंग, सुंबुल भी इस सीरियल में है, हालांकि वे काव्या सीरियल उसी का सीरियल है ना. यहाँ पे देखो फिर सिक्स ऑफ वॉन्स का कार्ड आया है. सिक्स ऑफ वॉन्स का कार्ड उसका आता है किसके साथ, जब हम सुंबुल और फहमान के प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं. तो इज इट आर अवे एंजल्स टेलिंग कि यहाँ पे जहां पे वो डिससेटिस्फाइड है, शी इज नॉट फाइंडिंग दिस मोटिवेटिंग इनफ वर्किंग इन दिस सीरियल, शी इज वेरी डिससेटिस्फाइड, शी इज नॉट फाइंडिंग मोटिवेटिंग इनफ. क्यों मोटिवेटिंग इनफ नहीं है? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, लोगों का अपना एजेंडा है, कॉन्फ्लिक्ट है, पॉलिटिक्स है, कॉम्पिटिशन है, ये सारी चीजें हैं. तो डेफिनेटली शी इज नॉट हैप्पी वर्किंग इन द सीरियल, उसको हैप्पीनेस नहीं मिल रहा है, उसको इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, काम करने की इच्छा, ये सब चीज कुछ भी नहीं हो रही है. डिमोटिवेटेड है, हैप्पी नहीं है. बट दूसरी चीज हम ये भी देख रहे हैं कि वो अपने घोड़े पे बैठी और निकल गई. यहां पे भी हम देख रहे हैं कि शी इज पैकिंग हर बैग्स एंड मूविंग आउट. सो आई एम गेटिंग दिस आइडियाज, विल सुंबुल लीव द सीरियल एंड मूव आउट? क्योंकि बहुत क्लियर एनर्जी है. यहां पे भी हमने देखा था कि किसी चीज पे रिफ्लेक्शन कर रही है, वो अपने सारे ये जो डेविल एनर्जी पे है रिफ्लेक्शन कर रही है. फाइव ऑफ सोर्ड का हिटिंग बिलो द बेल्ट, कटिंग कॉर्नर्स टू सक्सीड, दूसरे का रोल काटना, मेरा रोल बढ़ाओ, ये सारी चीजें होती है ना, तो इन सारी चीजों पे रिफ्लेक्ट कर रही है. और हम देख रहे हैं कि शी इज नॉट हैप्पी मोटिवेटेड इन वर्किंग दिस सीरियल, बहुत कॉम्पिटिशन, ड्रामा, सब चीज हो रहा है. चिंतन मनन थोड़ा कर रही है, नॉट हैप्पी है. यहाँ पे अपने घोड़े पे बैठती है, निकल जाती है विक्ट्री रन के लिए, और यहाँ पे उसने अपने सामान को भी पैक करके निकल गई है. तो मुझे एक लाउड एनर्जी आ रही है कि सीरियल में somebody can leave the serial, quite possibly Sumbul can leave the serial and walk out. Now this is very strange क्योंकि serial का नाम ही उसके उस पर ही based है. But अब जो guidance आया है तो guidance आया है, मैं कुछ कर नहीं सकती हूं इसका. She's packing her bags and going, यहां पर victory run है, तो quite possibly यहां से walk out करेगी, कुछ फहमान के साथ रोल साइन रोल करेगी कि क्या पता नहीं. लेकिन ये सिक्स ऑफ वॉन्ड की एनर्जी बहुत लाउड है इनके प्रोजेक्ट में, सुंबुल एंड फहमान के प्रोजेक्ट में, एंड इट कीप्स रिपीटिंग इन माय रीडिंग. सो काव्या सीरियल, हाउ इज इट गोइंग टू गो? तो मुझे लगता है कि आने वाले 3-4 months में ना, जितना भी मैंने महीना बोला है मुझे याद नहीं है, 3 months बोला कि 4 months बोला, बट क्वाइट पॉसिबली शी इज गोइंग टू मूव वॉक आउट ऑफ द सीरियल. सीरियल में क्या होने वाला है डियर एंजल्स? यस, कब तक आप खुश करते रहोगे लोगों को? आप खुश नहीं हो सीरियल में काम करने में, मोटिवेशन नहीं है, बट फॉर सम रीजन यू आर डूइंग द सीरियल, तो वो दिन कितने दिन तक करोगे आप, है ना, वो बात होती है. काव्या सीरियल कब तक चलेगा, क्या होने वाला है काव्या सीरियल में आने वाले 3-4 महीनों में? डियर एंजल्स, कैन वी प्लीज नो? वी थैंक यू सो वेरी मच फॉर दिस. बूम, वेट एंड वॉच करने का अभी पीरियड है, ठीक है ना? अभी तो फिलहाल कोई डिसीजन नहीं ले रही है. क्यों? क्योंकि अभी चिंतन मनन चल रहा है ना यहाँ पे, तो शी इज वेटिंग एंड वॉचिंग कि ये लोग ठीक होते हैं नहीं होते हैं, सीरियल का प्लॉट ठीक होता है नहीं होता है, कुछ नया लाइफ आता है कि नहीं आता है, मोटिवेशन आता है कि नहीं आता है, काम करने में मजा आ रहा है कि नहीं सीरियल के प्लॉट में, काम करने, लोगों के साथ काम करने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है. शी इज वेटिंग एंड वॉचिंग फॉर सिचुएशन टू गेट बेटर. बट यहां पे ऐसा ही लग रहा है कि फाइनली थिंग्स डोंट वर्क आउट, वो अपना सामान पैक करके निकल जा रही है, अपने घोड़े पे बैठ के निकल रही है वो वहां से. पर अभी क्या कर रही है? वेट एंड वॉच कर रही है कि बेटर होता है कि नहीं होता है, होता है कि नहीं होता है. क्योंकि आप पीपल प्लीजिंग भी कब तक करोगे? फाइनली यू हैव टू टेक योर ओन डिसीजन. स्पीक योर नीड्स एग्जैक्टली, यहां पे उसको नीड्स है ना, अगेन द सेम मनीषा वाली एनर्जी. कुछ लोगों के साथ कंफर्टेबल नहीं है हम काम करने में, पर हम क्या कर रहे हैं? हम एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, हमको मन नहीं लग रहा, कुछ अनकंफर्ट है, पर हम एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, अपनी नीड्स एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं. देखो, स्पीक योर नीड्स एंड बी ट्रू टू योर सेल्फ, फोकस ऑन योर ओन हैप्पीनेस इंस्टेड ऑफ ऑलवेज ट्राइंग टू मेक एवरी वन हैप्पी. यहां पर वॉकआउट कर रही है वो. तो एनीवेज, दिस इज द गाइडेंस आई एम कमिंग फॉर द सीरियल. Quite possibly serial is getting grounded. So yeah, this is what it is. Sumbul is definitely not happy. Yahan pe motivation nahi usko feel ho raha hai. Walking away. That is the guidance coming for Sumbul. The Kavya serial, guys. Thank you so much for watching. And if you like the guidance, please like, share, subscribe. And I will see you again. Take care. Bye for now.